सदिश एवं अदिश राशि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज राशियां, दो राशियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सदिश और अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज किसको कहते हैं? सदिश वेक्टर आखिर होता क्या है? जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब दिशा की आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए हम लोग जैसे समय को ही व्यक्त करना पड़ेगा तो हम उसे 5 सेकेंड 5 घंटा इस तरीके से बोलते हैं। जो 5 घंटा 5 सेकेंड मेरा क्या होगा? मैग्नीट्यूड। दूरी ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाए तो 5 किलोमीटर 1 मील 2 मीटर, जो मीटर आया किलोमीटर आया वही मेरा क्या है? मैग्नीट्यूड आया। वैसे फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं। जैसे कि ऊर्जा का जूल होगा, आप उष्मा का कैलोरी से नाप सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मैग्नीट्यूड हैं। तो जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का आवश्यकता होता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब दिशा का क्या काम है? अब देखिए एक मिनट, पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ। पहले तो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में अगर सदिश राशि का उदाहरण लेना है, सदिश राशि का, तो हम इसे कह सकते हैं विषुवत बल। अब विषुवत बल क्या है? आप विषु यहां देख रहे हैं, विषु से हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। वहां से हो जाएगा आपका वेग वेलोसिटी, फिर हो जाएगा तुम्हारा संवेग मोमेंटम, फिर उसके बाद संवेग आवेग इंपल्स, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वास से आपका इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज वेग संवेग आवेग और कोणीय वेग, ये चारों वा को रिप्रेजेंट करते हैं। ता से हो जाएगा आपका त्वरण, उसके बाद तनाव आपका पृष्ठ तनाव भी हो सकता है, इसे भी त्वरण, एक्सीलरेशन, सरफेस टेंशन दोनों आ जाएगा इसी से। बल से फोर्स, तो बल और एक प्रकार का बल आघूर्ण भी इसी से हो जाएगा। आप सोचिए एक छोटा सा एक ट्रिक है जिस माध्यम से हम इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज को सदिश के रूप में जान सकते हैं, बस विषुवत बल। नहीं तो अलग अलग से याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, आप इस तरीके से याद कीजिएगा तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐसे ही बता सकते हैं कौन सा सदिश राशि है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ छूट गया तो उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। शक्ति इसी में आएगा, भार आवेश,
शक्ति हो गया, पावर, वेट, और आपका हो जाएगा आवेश। तो इस तरीके से आप इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज को आप याद कर सकते हैं, पावर, वेट और चार्ज, पावर, वेट और चार्ज। ठीक है, ये हो गया सदिश राशि के उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाता है, इनमें से कौन सी सदिश राशि है कौन सी नहीं है। तो आप बस स्पीक के माध्यम से याद कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब अदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, राशियां होगा तो क्वांटिटीज हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो जिन राशियों को सिर्फ परिमाण से मतलब होता है, परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण से मतलब होता है, दिशा से मतलब नहीं होता है, वैसी राशियों क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। आप अपने से लिख लीजिएगा, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसको भी याद करने का तरीका क्या है, उस आदरता को चाबी दो। अब ऊ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, उष्मा, ऊर्जा, इसी से हो जाएगा। सा से क्या हो जाएगा, समय। आ से क्या हो जाएगा, आयतन। आ से आयतन, फिर आवृत्ति भी इसी में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, टाइम, हीट और ऊर्जा, वर्क, एनर्जी। द्र से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं। और ता से क्या हो जाएगा आपका, ता। को से क्या हो जाएगा आपका, कार्य। और चा से क्या हो जाएगा आपका, चाल, स्पीड। वी से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। और दा से क्या हो जाएगा, दा, प्रेशर। अब एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप इतने सारे भौतिक राशियों को याद कर सकते हैं जो कि अदिश है। आप इसमें देखिए, जैसे समय, समय में दिशा का क्या जरूरत है, किसी से पूछा जाए कि आपको रांची से पटना जाने में कितना समय लगा, आप बोलिएगा 5 घंटा मान के चलिए। अब जब घंटा बता रहे, आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरब दिशा, दक्षिण दिशा, इसमें दिशा का कोई काम नहीं, बस मैग्नीट्यूड से आपका काम चल जाएगा, किसमें, अदिश राशि में। अब बल देखिए, बल सदिश राशि है। अब इस व्हाइट बोर्ड को हमको उधर ले जाना है, उस तरफ, अगर हम इस तरफ धकेलेंगे तो क्या ये बोर्ड उधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए जब बल हम लगाते हैं तो बल के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस बोर्ड को उधर ले जाना है, तो दिशा भी किधर होनी चाहिए, उधर होनी चाहिए। अब विस्थापन, विस्थापन में भी तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ चल के गया और हमको विस्थापन निकालना है, तो हम ऐसे विस्थापन नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मायने रखता है, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो जिन राशियों को बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, और जिन राशियों को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होती ही नहीं, बस उसका परिमाण से मतलब है, वैसी राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशि कहलाती हैं। अभी छोटा सा ट्रिक आप बार बार प्ले करके देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।